भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक और सैंड शार्क भारतीय नौसेना में अब शामिल हो गई है। INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आज प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की यह पांचवीं सबमरीन है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में INS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया। INS वागीर पूरी तरह से भारत में बनी हुई है, स्वदेश में निर्मित यह सबमरीन आज भारतीय नौसेना के दमखम को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इसे फ्रांस की कंपनी नेबल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस सबमरीन की खासियत यह है कि इस सबमरीन को एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग छिपाने और सर्विलांस के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सबमरीन को समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र दोनों जगहों पर तैनात किया जा सकता है। इस सबमरीन के ट्रायल हो चुके हैं जिसमें यह सफल रही और आज सफलतापूर्वक इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। स्वदेश रूप से निर्मित वागीर सबमरीन अब भारतीय नौसेना का एक हिस्सा बन चुका है।